वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज फिर से हम घूमने जा रहे हैं, स्टार्टिंग ही घूमने से हो रहा है। घूमने एक्चुअली मतलब काम से ही है ऑब्वियसली, ड्रामा परफॉर्म जो करना है, मैं पिछले व्लॉग में जो बोला था लास्ट में, तो उसी के लिए जा रहे हैं गाइस। प्रैक्टिस करेंगे ड्रामा का। भैया आधादूर लेने आ रहे हैं जिसके साथ हम कल घूमने गए थे, उन्हीं के साथ, वो हमारे स्कूल के सीनियर है ना, उनके साथ जाएंगे। वो आधादूर आ रहे हैं, मैं आधादूर जा रहा हूँ, आ जाएंगे उनके साथ बैठ के उधर प्रैक्टिस करके। उनको लेट हो जाएगा शायद 8:30-9 बज जाएगा। मेरी मम्मी मेरे को गदर वाला गाली दी है कि तू अभी आया है कॉलेज से और तू फिर से जा रहा है और फिर इतने दूर और फिर बारिश आ रहा है। बहुत गंदा वाला मैं गाली खाऊंगा दोस्तों घर में, लेकिन क्या करे, स्कूल का ही काम है, मेरे फायदे के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। हाँ मतलब मेरा फायदा इसमें है भी नहीं भी, छोड़ो। तो चलो दोस्तों, कुछ होगा तो मैं दिखाऊंगा उधर ड्रामा करते समय, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। हॉस्टल आया हूँ दोस्तों। कल का सीन क्या था कि हम लोग को ड्रामा करना था, तो रात को हम लोग गए ड्रामा करने, तो मैं रात को आया 9 बजे घर वापस। उसके बाद आके सडन ब्लॉग एडिट किया और जो तुम लोग रात के 11 बजे जो जो जगह हुए थे वो लोग देख पाए हैं और फिर जो सुबह उठे हैं वो लोग देखे हैं। तो आज सुबह से मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया दोस्तों। कल जब मैं जा रहा था ड्रामा करने हमारे कॉलेज के लिए रात को शाम को, तो तब थोड़ा सा शूट किया था। और अब उसके दूसरे दिन आज अभी खा के आए हैं, 12 बजे को छुट्टी हुई थी, खाने का छुट्टी हुआ था, 1 घंटे का हुआ है, तो इसलिए हॉस्टल आ गए हैं दोस्तों। ये लौंडा फोन देख रहा है थोड़ा अपना आके। और गाइस हेलो, ये हमारे डॉक्टर साहब है दोस्तों जो ड्रामा कर रहे हैं हम, और मैं बना हूँ वो थोड़ो, वो जब जाएंगे उधर तो तब दिखाएंगे, सब बता दूंगा, मजा नहीं लेगा। तो अभी रुकना है 3 बजे तक, 3 बजे तक हमारा क्लास होता है, तो 3 बजे के बाद फिर रुकना है, फिर घर आना है, फिर घर से रेडी होके यहाँ आना है, फिर यहाँ पर ड्रामा के और फिर प्रैक्टिस करना है और फिर रात को 9 बजे घर जाना है। भगवान उठा ले रे बाबा, जीवन रे इतने दुख अच्छी कौन कहूंगा मैं। इतना जोश मेरे अंदर आता कहाँ से है, मोटिवेशन मेरे को आ कहाँ से रहा है दोस्तों, आ तो रहा है मैं बता नहीं सकता, रहने दो। तो अभी क्लास जाएंगे दोस्तों, 5 मिनट, 1 बजे क्लास शुरू होगा तो 5 मिनट पहले पहुंच जाना है। चले जाएंगे, ड्रामा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, परसों जाना है कहीं पर, वो तो तुमको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। खैर फिलहाल के लिए थोड़ा पसर जाते हैं। Few inches later. हमको ये एक सेपरेट रूम दिया गया है जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस जो हो रहा है गाइस तुम छोड़ो, मैं क्या बताऊँ, जो प्रैक्टिस हो रहा है तुम्हें क्या बताऊँ। सब सोए थे दोस्तों, अभी सोए थे, हमें कैमरा ऑन किया, सारे जगह हुए दिख रहे हैं, ये देखो सब सोए थे, और कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, दो तो मुतने गए हैं, उनका अलग चल रहा है, कोई इसको सिंसियरिटी बोल के कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं क्यों सिखा रहा हूँ इनको ड्रामा, मैं अपना एक्टिंग खुद भूल जाऊंगा एक दिन। आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। क्या आप किसको खोज रहे हैं, हमें अभी ड्रामा करना है, आप इधर ध्यान दीजिए, परमिशन नहीं मांग रहे हैं गाइस ये लोग। ब्लॉक कर रहा हूँ गाइस, हमको कॉल करना है, ब्लॉक को बंद करते हैं दोस्तों, कॉल करना है। हेलो मैम, ऐसा मत हो यार, एक्टिंग करना है तुमको, मार दोगी क्या बताओ गिरा के, अब मेरे को अभी एक्ट्रेस चाहिए। तुम ऐसा गंदा एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें मुंह छुपाना भी पड़ेगा, उधर ऑडियंस में भी छुपाना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप खुद बताओ ये लोग कैसा एक्टिंग कर रहे हैं, नकली जैसे हो रहा है ये। हो रहा है क्या बोला तूने, हो रही है। बहुत सारा प्रैक्टिस किया दोस्तों, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम आके हमारा जज करने वाली थी, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने 4 बजे तक वेट किया, वो अलग जगह में बिजी हो गए दोस्तों, हमें झूठ बोला गया, सडन काम आ गया उनका, तो हमारा अभी का प्रैक्टिस जो दिखाना था रिहर्सल वो कैंसिल हो गया है। तो सीधा हम मंडे को एक बार रिहर्सल करके सीधा हम कम्युनिटी एरिया जाएंगे, कहाँ जाएंगे सब आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा गाइस। बहुत हेक्टिक जिंदगी चल रही है मेरी, पता नहीं एक ब्लॉग भी नहीं बन पाया, अच्छा मेरे को रोना आ रहा है। मैं रात तक कुछ ना कुछ बनाता हूँ, फिर बनाएंगे, ठीक है ना। आ चुका हूँ दोस्तों, मेरा पैर दर्द कर रहा है। मैं क्लास में सबसे ज्यादा टफ बनने की, जोशीला बंदा बनने की बहुत नाकाम कोशिश करता हूँ, पर लेकिन छोड़ो, सबके सामने दिखाता तो हूँ कि मेरे अंदर बहुत जोश है, ताकि मेरा टीम जो है मेरे साथ काम कर रहा है उसको भी लगे कि हाँ ठीक है चलो वो जोश दिखा रहा है, हम भी जोश दिखाते हैं थोड़ा सा, जितना भी बचा कुचा है। लेकिन मेरे अंदर से ना कैसी आवाज ही निकलती है पता है, हाँ बिल्कुल ऐसी आवाज निकलती है, ओ, 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 ओ,
मांगो। मम्मी भी नहीं है घर में दोस्तों, पापा है। पापा गेट खोले, अंदर आया, मैंने बाहर से कुछ खा लिया है, भैया के साथ कुछ खा लिया। अब आराम से एडिट करेंगे, जितना अभी तक शूट किया उतना एडिट करता रहूंगा फिर कुछ। अरे अरे भाई सुनो ना, अब से हमारा घर कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, हर जगह कपड़े सूख रहे होंगे। देखो यहाँ फैलाया हुआ है, वहाँ फैलाया हुआ है, वहाँ फैलाया हुआ है, और यहाँ भी फैलाए हुए हैं। पहले ये चेयर उसके ऊपर था दोस्तों, अब फैला फैला के कपड़े भी उसके अंदर उसके ऊपर फैल रहे हैं। ऐसे फैले फैले जिंदगी हो जाएगा आप दोस्तों, क्योंकि बाहर में सुखाने का कोई सेंस ही नहीं है। घर में भी उमस, बाहर भी उमस, हर जगह उमस, मॉइस्चर ही मॉइस्चर, धूप निकल ही नहीं रही है। जब निकल रही है इतना जोर निकल रहा है कि इतना जोर तो धूप के महीने में भी नहीं निकल रहा होता है। खैर जब धूप निकलते हैं बाहर जाके सुखाते हैं, फिर धूप कब ढक के बादल आ जाता है क्या पता। इसीलिए रिस्क नहीं लेने का दोस्तों, घर के अंदर ही सुखा दो, पंखा चला दो। ओ अभी मैं पंखा इसीलिए नहीं चलाऊं क्योंकि पंखा का आवाज आएगा घुर करेगा तो फिर तुमको साउंड इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा ना। क्लियर क्रिस्टल क्लियर सुनना चाहिए तुम लोगों को। खैर दोस्तों जितना मेरा हालत खराब हो रहा है, पानी कम पी रहा हूं मैं दोस्तों, दर्द। पानी पीते हैं दोस्तों, एडिट करते रहते हैं, फिर मम्मी आई तो फिर बनाते हैं ब्लॉग, ठीक है। ये इस चेहरे को, इस चेहरे ने अपने बाप पे किया है धोखा। मेरे पापा को लगा कि ये बच्चा अभी भूखा है, तो उसी वजह से वो घर में ही कुछ बनाने का प्लान बनाने ही वाले थे कि मेरे मुंह से मेरे पापा को सुनने के लिए मिला कि मैं बाहर से पहले से ही पहल के आया हूँ। आपको कैसा लगा पापा? खुशी लगा, बहुत खुशी लगा। ऐसा खुशी लगा दोस्तों, ऐसा खुशी लगा कि मेरे पापा भुकरा के मेरा प्यार ये गाना गाते हुए बाहर बारिश में कुछ खाने गए थे दोस्तों। अभी बारिश से खा के आए हैं। अभी क्या खा के आए पापा बारिश से? बारिश से क्या खाए, मतलब बारिश में बाहर में जाके क्या खा के? बारिश में बाहर में जाके पकौड़ा, गरम गरम पकौड़ा। कहाँ मिल गया आपको? आलू चाप। ये आपको कहाँ मिल गया? और आप गए किसे थे? मम्मी तो बाइक लेके, गाड़ी लेके गई है। मम्मी गाड़ी लेके गए थे, मेरे पास क्या गाड़ी का कमी है क्या? ओहो अच्छा, वो सीधा वो डम्फर उठा के गए थे? नहीं नहीं गाड़ी था एक। अच्छा गाड़ी था, ठीक है भाई। तो मजा के कुटा, हाँ और आया, मजा आ गया। नहीं अभी फिल्म देखेंगे, चलो चलो। हमारा डील हुआ था दोस्तों कि आज अभी थोड़ी देर पहले खाना ये सब खाना वाना का जब सीन आया था उससे पहले कि मिलके फिल्म देखेंगे, क्योंकि मम्मी तो लेट आएंगी। तो अभी जो मैंने बोला था कि मम्मी आएंगे तो ब्लॉग करता हूँ, मम्मी तो लेट आएंगी दोस्तों और मेरे को ब्लॉग छोड़ना है, तो ठीक है आज का ब्लॉग करते हैं यही पे एंड। बहुत बहुत ही हेक्टिक दिन गया है तो इसलिए एक फिल्म देख के रिलैक्स मारेंगे दोस्तों, उसके बाद अपलोड होगा ब्लॉग, तो देखते हैं कैसा आता है। तुम लोग का रिव्यू लाइक कमेंट वगैरह करो यार, करो करो लाइक कमेंट करो। चलो बाय, आज का ब्लॉग करते हैं यही पे एंड। मैं मिलता हूं अब अगले ब्लॉग, और एक बार करते हैं, मैं मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टाटा। শু বুঝলো কি অ্যাক্টিং পছা করমা কেন দরকার আছে শুই পড় না না শুই পড় শুই পড় বহুত বড়িয়া শুই পড় তুই শুই হি পড় তো তো শুই দেলা নবো এ ভাই খাই দে ড্রামা ফামা খাই দে ইউটিউব লাই ভিডিও বনে দাও চা ও মাই গড।